कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दे, आ गया आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर भूगोल का, जो कि हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। और ये पेपर आपका फुल सॉल्यूशन आ गया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को देखते हैं और कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चंद्रमा में चट्टानों पत्थरों के नमूने एक भौगोलिक सूचना का स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। आगे है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो कौन सा देश है? चीन है। अगला है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? संचार क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं रोपण फसल नहीं है। अगला है हमारा, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है, रेड जेल एक डॉट भूगोल थे, तो कौन थे? वेला जर्मनी। इसका सही आंसर है वेला जर्मनी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डॉट कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसमें आएगा आपका जनसंख्या घनत्व। तो इसका सही आंसर है आपका जनसंख्या घनत्व। अगला है हमारा, 60 से अधिक आयु वाले लोग डॉट को प्रदर्शित करते हैं, तो किसको प्रदर्शित करते हैं 60 से अधिक वाले लोग? वृद्ध जनसंख्या को। वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डॉट प्रतिरूप दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? आयताकार दिखाई देता है। इसका सही आंसर है आपका आयताकार। अगला है हमारा, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को डॉट की वृद्धि दर कहते हैं, तो किसकी वृद्धि दर कहते हैं? जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका जनसंख्या की वृद्धि दर। अगला है हमारा, समाज और पर्यावरण के बारे में डॉट तक पहुंच की मुक्ति का मूलाधार है, तो क्या मूलाधार है? ज्ञान है। तो इसका सही आंसर है आपका ज्ञान। तो हमारा दूसरा प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हुआ, अब इसे अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि सही जोड़ी मिलाइए। तो हमारी पहली है, भारत में गरीबी, तो इसका क्या होगा? हमारा भारत में गरीबी, तो इसका क्या है? अनियंत्रित बेरोजगारी। अगला है हमारा पटना, तो पटना का क्या होगा? हमारा प्राचीन नगर। अगला है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, तो इसका क्या होगा? हमारा साझा संपत्ति संसाधन। अगला है ट्रक कृषि, तो ट्रक कृषि का क्या होगा? हमारा अनियंत्रित बेरोजगार। अगला है जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण का क्या होगा? आखिरी परिवार नियोजन। तो ये तीसरा प्रश्न जोड़ी हमारा कंप्लीट हुआ, इसे अच्छे से देखिए, नंबर बाय नंबर करिएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो क्या होता है? उस देश के निवासी ही उस देश का वास्तविक धन होता है। एकदम सच बात है कि जिस देश में किसी भी देश का धन, असली धन उस देश के निवासी या लोग होते हैं। अगला है हमारा, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? तो कौन सी क्रियाएं करती है? प्राथमिक क्रियाएं। अच्छे से करिएगा, प्राथमिक क्रिया। विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए, तो कौन सा है? वंशी गठन। वंशी
गठन, इसे अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अगला है, भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? तो कब बनाई थी? 2015 में बनाई थी। अगला है, भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से। तो इसका सही आंसर है हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसे अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। आगे हमारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाकर ने लिखी थी। तो हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य बताइए। पहला है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है। तो ये एकदम सत्य है आपका। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। तो ये भी आपका सत्य है। अगला है, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है। तो ये भी सत्य है। अगला है, एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है। तो ये भी आपका सत्य है। आगे है, मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये आपका असत्य है। अगला है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए। तो ये भी आपका सत्य है। तो ये सत्य असत्य के मैंने चिन्ह लगाए, आपको पेपर में इनकी जगह सत्य और असत्य लिखना है। वो तो मैंने, आप हमारे पास टाइम नहीं है इसीलिए चिन्ह लगा दिए, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप चिन्ह नहीं लगाएंगे, आप इनकी जगह सत्य और असत्य लिखेंगे। तो पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है हमारा, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, पांचवा असत्य है और छठा भी सत्य है। तो इस तरीके से पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के दो महत्व तत्व लिखिए। क्रमबद्ध भूगोल से आप क्या आशय है? विश्व में जनसंख्या विवरण की दो विशेषताएं लिखिए। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखकर कंप्लीट करना है। ये रहा हमारा नवा प्रश्न, सार्थक जीवन का क्या होता है? ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? संत बस्ती क्या है? मेगा सिटी किसे कहते हैं? नगरी बस्तियों की दो प्रमुख समस्याएं हैं, सभी को पता होगा जो नगर गांव में रहते हैं। मानव विकास के महत्व को बताना है। सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। ये होगा हमारा 19वां प्रश्न और ये हो गया हमारा 20वां प्रश्न। तो हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अभी ने आप अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। तो मैंने आपको पूरा पेपर आपका अच्छे से बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इसे अच्छे से कंप्लीट करें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।